स्टूडेंट का कहना है, हम जब पावर पॉइंट पीपीटी प्रेजेंट करें तो पर्टिकुलर पावर पॉइंट पीपीटी के प्रेजेंट के हर पेज पर्टिकुलर टाइम सेट पर ही प्रेजेंट हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे हम सेट कर सकते हैं टाइम प्रेजेंट होने का पेजेस का, है ना। तो इतने टाइम पे, जैसे कि मुझे 10 सेकंड पे ये पेजेस चाहिए, 3 सेकंड पे ये, 2 सेकंड में ये, ऑटोमेटिकली उस टाइम पर प्रेजेंट हो पेज जिस टाइम पे हमने सेट किया है पेजेस को, है ना। तो कैसे हो सकता है ये, तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पावर पॉइंट पीपीटी ओपन कर लेना है, जो इसमें आप टाइम सेट करना चाहते हैं पीपीटी के पेजेस के प्रेजेंट होने का, है ना। तो अब आपको जाना है कहाँ पर, ट्रांजिशन में। ट्रांजिशन मेन्यू बार में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे आफ्टर साउंड, ठीक है। तो ये दोनों ही फंक्शन से ही काम होगा, है ना। यहाँ पर पहला पेज, आपको पहला पेज कितने सेकंड बाद उठाना है, तो आपको पहला सिलेक्ट करना है और यहाँ पर टाइम को सेट कर लेना, कितने मैं चाहता हूँ ये हो 3 सेकंड बाद, ठीक। मैंने यहाँ पर कर लिया। दूसरा यहाँ पर है सेकंड, सेकंड वाला पेज 6 सेकंड बाद हट जाए ऑटोमेटिकली, ठीक है। थर्ड वाला हम चाहते हैं 3 सेकंड बाद, फोर्थ वाला हम 5 सेकंड बाद, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सेट कर लिया टाइमिंग, और करना है तो आप और कर लीजिए। चलिए मैं एक और ले लेता हूँ, यहाँ पर 1 सेकंड और फिर 1 सेकंड और फिर 1 सेकंड, ठीक है। अब दोस्तों आप चाह रहे हैं कि मुझे म्यूज़िक भी लगाना है, है ना, तो आप पर्टिकुलर म्यूज़िक भी लगा दीजिए। चलिए म्यूज़िक भी बता देता हूँ, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कौन सा म्यूज़िक चाहिए तो आप ले लीजिए, ठीक है। मैं सेकंड में ये ले लेता, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने म्यूज़िक डाल दिए। अब दोस्तों पावर पॉइंट पीपीटी के अंदर जिस पेज पर हमने टाइमिंग डाली, वो टाइम कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली पेज हट जाएगा, ठीक है। तो पहले पे हम सिलेक्ट करते हैं, आप इसे रन कीजिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर रन करने के लिए आपको पहले यहाँ पर ऑन माउस क्लिक को हटा देना है, ठीक है। अब ये पूरी तरह से ओके हो चुका है। अब आप कंप्यूटर लैपटॉप की F5 की दबाकर भी रन कर सकते हैं, चला सकते हैं पीपीटी को, या फिर यहाँ पर आइकन बना हुआ है इस पर आप क्लिक करके रन कर सकते हैं। चलिए हम रन करते हैं, तो देखिए टाइम सेट हो चुका है ये सारी चीज़ों पे। तो देखा आपने, चलिए हम बाहर आते हैं। तो देखा आपने, हमने जो टाइम जिस पेज पर डाला था वो पेज उसी टाइमिंग पर रहा और वहाँ से हट गया, है ना। तो इस तरह से हाँ प्रेजेंट कर सकते हो अपनी पीपीटी को पर्टिकुलर टाइम पर, है ना। तो आप इस तरह पीपीटी के हर पेज को टाइम के हिसाब से रन कर सकते हो और अपने बॉस, टीचर या कह सकते हैं अपने फ्रेंड्स सर्कल में आप प्रेजेंट कर सकते हो, है ना। अब दोस्तों आप चाह रहे हैं कि मुझे सभी में पेजेस में एक ही टाइमिंग चाहिए, मुझे ये सारी टाइमिंग नहीं चाहिए अलग अलग, वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले पेज पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम म्यूज़िक को उठा देते हैं, नो साउंड, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकंड रख देंगे, किस सेकंड में आपको चाहिए, मुझे चाहिए 5, तो 5 सेकंड सिलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों क्या होगा, पावर पॉइंट पीपीटी का हर पेज 5 सेकंड तक रुकेगा, उसके बाद हटता चला जाएगा, ठीक है। ये हमने सभी में करेंगे। अब दोस्तों हम पर्टिकुलर एक को लेकर चला, लेकिन अब नहीं करेंगे, हम सभी में करेंगे। तो यहाँ पर अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सभी पेजेस पर्टिकुलर टाइमिंग पर सेट हो चुके हैं, ठीक। अब हम रन करते हैं, इसमें हमने साउंड नहीं डाला, ठीक। आप साउंड डालें तो बैकग्राउंड म्यूजिक डाल सकते हैं, जिस पर हमने सेपरेट वीडियो बना दिया। अब यहाँ पर हम पीपीटी को फिर से रन करते हैं, देखिए यहाँ पर जो टाइमिंग है सभी पेजेस चलेंगे ऑटोमेटिकली। है ना। अब चाह रहे हो कि मुझे यहाँ पर 1 सेकंड करना है, तो 1 सेकंड में कर देता हूँ, इससे सारी पीपीटी के सारे पेजेस आपको प्रेजेंट हो जाएंगे। तो 1 सेकंड कर देते हैं और फिर से हम रन करते हैं, देखिए सॉरी। एंड यहाँ पर हमने फिर से लेते हैं उसको और 1 करते हैं और यहाँ पर अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर देते हैं। अब ये कंप्लीट सेटिंग हो चुकी है 1 सेकंड की, करते हैं यहाँ पे अप्लाई, देखिए
एक सेकंड में सभी पेजेस प्रेजेंट हो रहे हैं यहाँ पर, एक एक सेकंड बाद, है ना। तो इस तरह से दोस्तों हम पर्टिकुलर टाइमिंग पर किसी भी पेजेस को प्रेजेंट कर सकते हैं और शो करा सकते हैं पीपीटी के अंदर, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो को हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।